हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजिम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें वीडियोस पर, ताकि और अच्छी अच्छी बेहतर वीडियोस बनाई जा सकें। आज हमारा प्लान है रियाद का, और अभी हमने सोचा नहीं क्योंकि रियाद में बहुत सारे अट्रैक्शन प्लेसेस हैं, तो वहाँ जाके हम डिसाइड करेंगे हमने कहाँ जाना है। तो मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, क्योंकि इस दफ़ा जो छुट्टियों का जो मैकेनिज्म था वो बिल्कुल डिस्टर्ब था, क्योंकि हमारी 3 छुट्टियां मारी गई गवर्नमेंट ने। वैसे तो नॉर्मली फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती है, फिर जो है संडे को उन्होंने वर्किंग डे पे बुलाया और फिर मंडे से उन्होंने छुट्टियां अनाउंस की, तो उसकी वजह से जो है 3 छुट्टियां हमारी मार गई, जिसकी वजह से हमारा पूरा प्लान जो है घूमने फिरने का वो सारा धर्म भरम हो गया। तो खैर, अभी हमारा अचानक प्लान बना है रियाद का, तो अभी हम जा रहे हैं रियाद। वो 2-3 जगह हैं जो हमने डिसाइड की हुई हैं, वहीं जाकर मैं आपको सरप्राइज दूंगा और दिखाऊंगा वहां की जो जगह हैं और उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो स्टे ट्यून्ड। और यहां से अभी जुबैल से रियाद का सफ़र तकरीबन 450 किलोमीटर है, यहां से अभी मैं आपको अपनी पूरी जर्नी दिखाऊंगा और जो जो मतलब के मनाजर होंगे वो मैं सारा आपको मनाजर दिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड। तकरीबन 120 किलोमीटर ही रह गया और मेरी गाड़ी में भी 120 किलोमीटर ही दिखा रहा है। तो दोस्तों, 3 घंटे ड्राइव करने के बाद अभी मैं रुका हूँ एक फ्यूलिंग स्टेशन पर, और तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत बाकी रह गई है। अभी इस टाइम हम मौजूद हैं कोई रियाद से 1 घंटा पहले, सास्को का पेट्रोल पम्प है, तो वैसे तो जा सकता था पर जो गाड़ी की फ्यूल जो स्पीड है उसके हिसाब से, क्योंकि फ्यूल एवरेज वेरी करती है, क्योंकि 140 का रोड है तो कुछ कह नहीं सकते कि फ्यूल एवरेज अप एंड डाउन हो सकती है, तो मैंने कहा बजाय कि रिस्क लिया जाए तो पहले फ्यूल भरा लिया जाए। व्यू चेक करें जी, कैसे सूरज को आसमान ने जो है ढांप लिया। वैसे पहले जो है ये जो आसमान है वो हटा हुआ था सूरज से, मतलब आसमान जो है सूरज के इर्द गिर्द था, बट जो है मतलब के अबे साले, अरे कहना क्या चाहते हो, सूरज की रोशनी थी और इर्द गिर्द उसके पूरे बादलों ने ढांपा हुआ था। अच्छा। और अभी हम हैं जी रास्ते में, इंशाल्लाह अपनी मंजिल पर हम जो है 5:30 तक पहुंच जाएंगे, और अभी 5 बज रहे हैं। अगर तो ट्रैफिक ने साथ दिया, क्योंकि रियाद है मेट्रो सिटी और उधर ट्रैफिक का जो हाल है ना वो पूरे सऊदी अरब में मशहूर है, पूरे सऊदी अरब में या पूरी दुनिया में मशहूर है। जितने भी मेट्रो सिटी होती हैं उनका ट्रैफिक का निज़ाम थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब तो इस पिन से कि क्योंकि रश होता है बहुत। मौसम तो बारिश वाला ही था, मगर बारिश नहीं हुई, भरोसा भी नहीं, बस नहीं हो, पहले हम हैदर से पहुंच जाए फिर बेशक हो जाए। वैसे तो आज रात के रोड पर बहुत पुरसकून माहौल है, हो सकता है ईद है, ईद की वजह से ज्यादातर लोग जो है या तो आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं या तो फिर अपने घर में ही मना रहे होते हैं, वरना इस टाइम तो तूफान में चबा होता है। और ये मेट्रो की लाइन जा रही है सारी, है ना? रियाद मेट्रो है। रियाद मेट्रो, ये वही है जो मक्का तक जाती है या नहीं? ये तो जस्ट सिटी में ही घूमती है। ओके। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तो इधर हम आए एक फैमिली के यहाँ, एक दोस्त है हमारे, फैमिली फ्रेंड है, तो उनसे मिलेंगे फिर आगे देखते हैं कि क्या प्लान बनता है। तो फिलहाल तो मैं कुछ उनके लिए कुछ लाना भूल गया हूँ और यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ गेट गेट में, अगर कुछ मिल जाए लेने के लिए, वरना तो फिर बाद में ले लेंगे। हम अपना सफ़र यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों,
दोस्तों मैं इंटर हो चुका हूँ बॉलीवुड वर्ल्ड में। हो सकता है कि आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम हो क्योंकि यहाँ पर बहुत जोर से म्यूजिक चल रही है, मैं माइक यूज नहीं कर रहा, तो जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा।